ओके गाइस, अभी लोग मतलब अभी हम लोग मैं और बच्चे जा रहे हैं नहाने नदी पर, क्योंकि आज है मकर संक्रांति। इसी दिन यानी कि हमारे गांव के सभी लोग नदी पर जाते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे बेस बना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है 15 जनवरी, आज है संक्रांति, मकर संक्रांति। तो आज हमारे गाँव में सभी लोग नहाने जाते हैं, उसके बाद लड्डू वगैरह जो पूजा रहती है वो करते हैं। तो हम भी नहाने जा रहे हैं, आपको भी दिखाएंगे हमारे यहाँ की बेतवा नदी। तो चलिए चलते हैं, हमारे पास है हमारी साइकिल। तो गुड मॉर्निंग, सबसे पहले तो आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आप देख सकते हैं मैं और रचित आए हैं, यहाँ पे है हमारे गांव की बेतवा नदी जो हमारे गांव से निकल के गई है। अभी क्या है कि मैं बहुत दूर से साइकिल चला के आ रहा हूँ ना, तो इसीलिए थोड़ा सांस फूल रही है। कितना अच्छा रास्ता है, मतलब दोनों तरफ हरियाली हरियाली, और वहाँ पर है नदी, अभी आपको दिखाते हैं। इसलिए नहाने आए हैं हम लोग, और अच्छा लगता है आज के दिन सभी लोग नहाने आते हैं नदी पे। यह है हमारे गांव की बेतवा नदी, देख सकते हैं आप सभी लोग, बहुत सारे लोग नहाने आए हैं और हम भी नहाने आए हैं। ओके देन गाइस, अभी हम लोग पहुंच गए नदी पे, अभी हम नहाएंगे। और ये देखिए, ये बेतवा नदी हमारे गांव की, और वो काफ़ी बड़ी नदी है, यहाँ पर ये दो धाराओं में निकलती है, अभी आपको दिखाएँगे। बोल तो आप ये देखिए, यहाँ पर यहाँ पे और उस साइड, ये दिख रहा है ना, उसके उस साइड देखिए, काफ़ी बड़ी नदी है। और ये इसका रोड का है ना, यहाँ पे एक मंदिर है वो भी उसका काम। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं, अभी हम लोग आ गए हैं बेतवा नदी पे, नहाएंगे फिर आपको दिखाएंगे, यहाँ पे एक मंदिर भी है। दोस्तों अभी हम मैं नहा लेता हूँ, रचित तो नहीं नहाएगा क्योंकि रचित को मतलब बुखार है, क्या बुखार आ जाता है, क्योंकि मैं नहा लेता हूँ। जे जे हुई अभी तो मैंने नहा लिया है, मतलब इतनी ठंडी, जैसे ही मैंने पानी में छलांग लगाई, मतलब कूदा, सही बता रहा हूँ, इतनी खतरनाक से सर्दी लगी, जैसे कि किसी ने मुझको बर्फ में डाल दिया। जी हाँ मित्रों, अभी तो मैंने नहा लिया है, अभी आपको घुमा देते हैं हम नदी, फिर जाएंगे घर, क्योंकि मतलब सर्दी के कारण बहुत तेज़ भूख लगने लगी, भूख तो पहले से ही लग रही थी लेकिन और बढ़ गई। तो अभी आप देख लीजिए, नदी यही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं नहा रहे हैं। ऊपर आ जाओ रचित भाई दिखाएँगे आपको नदी। ओके गाइस, तो अभी हमने आपसे वादा किया था, मतलब आपसे बोला था कि हम आपको मंदिर दिखाएंगे, हम मंदिर में जाएंगे नहीं, आपने ये मंदिर पहले भी देखा होगा, अगर आपने एक वीडियो देखी होगी 11 का मेला वाली, उसमें हमने इसको कवर किया है। सो अभी दिखाते हैं आपको मंदिर, सही दिखाएंगे क्योंकि नहीं जाएंगे हम। और कितना अच्छा लगता है दोस्तों, आप समझ सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, यहाँ पर पेड़ ही पेड़ है चारों तरफ। रुक, तो यही है दोस्तों मंदिर, यही हमने आपको दिखाया था। चलो तो दोस्तों अभी हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे कितने सारे मतलब घना जंगल टाइप का, यहाँ पे यहाँ आइए, यहाँ देखते हैं क्या है।
अभी तो हमने नहा लिया है और नहा के हमने आपको नदी भी दिखा दी। अब हम जाते हैं घर। और ये रचित भाई साइकिल चढ़ाते हुए, क्योंकि घाटी बहुत ऊंची है। गाइस अभी हम लोग रिटर्न हो रहे हैं घर पे, क्योंकि नहा लिया है हमने और अब खाएंगे घर जाके लड्डू। अच्छा लगा हमारे यहाँ पे सभी लोग इस दिन नहाने के लिए नदी पे आते हैं। ये जाके जी बीसी तू, हमने आपको नदी दिखा दी, नहा भी लिया हमने, सब कुछ आपको बता दिया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट करें आपको नदी कैसी लगी, ये ब्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।